ओम साई राम, राधे राधे फ्रेंड्स। और आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से आज ढोलक सीख भी रहे होंगे। और मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होंगी, फिट एंड फाइन तो दिख ही रही होंगी ना। तो आज का लेसन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए कि बस आप लोग में थोड़ी सी कमी है। आप लोग में क्या कमी है कि आप लोग ना प्लेलिस्ट में वीडियोस नहीं ढूंढ पाते हो, वो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग पता क्या क्या करो, प्लेलिस्ट में ऐसे ऊपर स्क्रॉल करते जाया करो तो आप लोगों को वीडियोस सारी मिल जाएंगी। कई लोगों के इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि मुझे वीडियोस नहीं मिल रही, तो प्लीज़ आप लोग आप मेरे लिए बना दीजिए। तो कोई नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को सेम वीडियो, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट तो हो ही जाता है, अलग से बना के देंगे, तो प्लेलिस्ट आराम से आप देख सकते हो। ऊपर मेरे चैनल पे जाया करें और ऐसे करके आके ऊपर आता है प्लेलिस्ट चैनल, होम पे जाके उसमें मिल जाती है वीडियो। कोई नहीं, मैंने फिर से वीडियो आपके लिए बना दी है, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। आप लोगों ने जैसे बोला था कि बताइए कि कौन सा बेस बोलते हैं, चाटी बोलते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में आपको मिलेगा परफेक्टली, बिल्कुल स्लोली। ये भी मतलब कंप्लेन नहीं होगी कि स्पीड में या स्लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी बिल्कुल स्टार्टिंग से कि कैसे क्या होता ये। हाँ, सबसे पहले तो आपको ढोलक का ये जानकारी दे दूँ कि ढोलक को कभी चढ़ी हुई नहीं रखते हैं। जैसे कि अब मुझे ढोलक बजानी नहीं है तो मैं इसका 1, 2, 3 जो भी है कुछ, मतलब सारे बोल्ट ढीले करके नहीं रखूँगी, 2-3 बोल्ट बस ढीले करती हूँ बस। और ढीले का मतलब हल्का सा लूज़ कर देती हूँ, ठीक है। सारे बोल्ट आप लूज़ नहीं करोगे। और मैं ये रेंज ना इसी में ही लगा के रखती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम आती है कि कहाँ से उठाऊँ, फिर आलस आ जाता है। अब जी मेरी इसी में लगी रहती है तो मैं तुरंत ही जो मैंने 2-3 ढीले कर रखे हैं, जब मैं बजाने बैठती हूँ तब मैं इसको टाइट कर देती हूँ। पहला पॉइंट क्लियर हो गया बिल्कुल, आप लोगों ने जो बोला था कि ऐसे ही नहीं रखते हैं। और ढक करके रखिए, थोड़ी बहुत धूप लगा दीजिए जिससे आपकी ढोलक अच्छी बजने लगे। बोल्ट 2-3 ही लूज़ करोगे, ज़्यादा नहीं लूज़ करोगे। और वैसी वाली होती है जो खींचने वाली, वो भी 2-3 को ही हल्का सा पीछे, जो नहीं छल्ले पड़े होते हैं, जो मेरे पास दूसरी ढोलक थी वो भी ऐसे ही रखते हैं। और सेकंड क्या था आपका, अब मैं आपको बताऊं कि सेकंड ये है कि जो बड़ा वाला पोर्शन होता है ढोलक का, तो वो होता है बेस, उसको बेस बोलते हैं। क्लियर, उनको समझते जाइए, बड़ा वाला पोर्शन। और जो छोटा वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, चाटी, ठीक है, समझ गए ना। छोटा वाला पोर्शन को बोलते हैं चाटी। अब आप लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि कौन से हाथ से बेस बजाएं, कौन से हाथ से चाटी बजाएं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपका हाथ अगर इस टाइप से चल रहा है और खुद चेक करके देखना कि कुछ ऐसी उंगलियां हो रही हैं, तो आप समझ लेना कि उससे आप उंगलियां ही बजाओगे, ठीक है। तो अगर आपका ऐसे हाथ चल रहा है, ठीक है, तो समझ लेना कि ये बेस का हाथ है, ये हाथ हम बेस पर ही फिट करेंगे, ठीक है। और जब हम उंगली चलाते हैं तो ये मेरा हाथ चाटी पर चलेगा, ठीक है। अब जैसा कि मुझे देखो, मेरा ये हाथ चलता है, ये हाथ है कैमरे में किधर इधर आ रहा है, ये आप लोग खुद देखिएगा, मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ, तो ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड मेरा बेस बजाता है, राइट हैंड से मैं बेस बजाती हूँ और लेफ्ट हैंड से मैं चाटी बजाती हूँ। तो मेरा बेस राइट हैंड की तरफ है और चाटी लेफ्ट हैंड की तरफ से है, क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे, सपोज दैट आपका हाथ राइट की जगह लेफ्ट वाला बेस पे चल रहा है, तो क्या करोगे, तो ढोलक ऐसे नहीं रखोगे, ढोलक आप ऐसे रखोगे, ठीक है, समझ में आ गई। यानी कि जब मेरा राइट हैंड बेस बजाता है और आपका राइट हैंड उंगलियां बजाने लगे और लेफ्ट हैंड बेस बजाने लगे, तो आपको ढोलक ऐसे रखनी होगी। ये देखो मैं दोनों से बजा लेती हूँ, ठीक है। अब मेरा लेफ्ट हैंड बजा रहा है बेस, तो मैंने बेस को इधर कर लिया और चाटी को इधर कर लिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको कि बेस कौन से हाथ से बजाना है, चाटी कौन से हाथ से बजाना है, बिल्कुल क्लियर है। चलो अब मैं अपनी ढोलक घुमा लेती हूँ क्योंकि मेरा तो बेस राइट हैंड से बजता है, तो मेरी ढोलक ऐसे हो गई, बिल्कुल क्लियर है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बिल्कुल पूछिए, बेफिक्र पूछिए, मैं 10 बार वीडियो बना के आपको अपलोड करके दूंगी, ठीक। अब बेस बजाना हम बताते हैं, बेस कैसे बजाओगे, देखो 1 2
थ्री फोर। आज मैं फोर वाला बेस बता रही हूँ आपको, काफ़ी बार बताया लेकिन ये वीडियो ही ऐसी बन रही है आपके लिए। तो वन टू थ्री फोर, वन टू जल्दी से करेंगे, वन टू देखा, थ्री फोर, क्लियर हो गया। अब चाटी पे देखो, वन टू थ्री फोर, ध्यान से देखना क्या किया, एक छोटी उंगली का कोई काम नहीं है, थ्री उंगली का काम है, देखना ना थंब का काम है ना छोटी वाली फिंगर का काम है, वन टू थ्री फोर, फोर पे दोनों बजा दो, चाहे फोर पे ये लास्ट ये वाली बजा दो, ये वाली, ठीक है। अब रिदम सुनना, वन टू वन टू थ्री फोर, कैसे, वन टू थ्री फोर, फिर से देखो रिदम के साथ चलना, वन टू जल्दी से करना, थ्री फिर फोर, ठीक है, फिर से देखो, वन टू थ्री फोर, ठीक है। और यही धुन बेस की रहेगी, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, सेम रिदम है, सेम हाथ चल रहे हैं, इधर हम हाथ ऐसे मार रहे हैं, हाथ हमेशा आधा मारा करो, ये काला काला होता है बीच में, तो आप इतना मारना हाथ, इतना, वन टू थ्री फोर, फोर हम बीच में बजाएंगे, वन टू थ्री फोर। अब मैं आपको ढोलक के ऊपर सिखा दूँ, क्योंकि तो देखना लेंथ देखना वीडियो की, हाँ वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर है लेकिन आपके लिए हेल्पफुल बहुत रहेगी, तो इसको स्किप ना कीजिएगा, बिल्कुल देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। अब साथ साथ देखो, पहले एक बार ये देखो, वन टू थ्री फोर, और ये देखो, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। अब साथ साथ कैसे चलाओगे, तो पहले क्या बोलना है, वन टू, साथ हो गया, थ्री फोर, ये यही हाथ चलेगा चाटी वाला, क्योंकि चाटी का हमेशा किनार पे बसता है, बीच में नहीं बजाना आपको, ध्यान रखिएगा। और जब फोर आएगा तो ये आगे जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, बेस पे बीच में मारना है, तो क्या करना है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब थोड़ा साथ साथ बजाऊं मैचिंग करके, इस पे आप रिदम सुनना तेज से, ठीक है, फोर वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगी, फिर आप देखना कि कितनी अच्छी धुन निकल रही है, अब भजन गा रही हूं, फिर देखना कि आप कैसे अच्छे से बजा सकते हो। अम्मे मैया मेरी पूजा को कबूल कर लो, दुर्गे मैया मेरी पूजा को कबूल कर लो, एक अंधा उधर से चला झूमते माँ के मंदिर गया, माँ के मंदिर गया, माँ के चरणों गया, दे दो नैना दे दो नैना उसे उम्र भर के लिए, दे दो नैना उसे उम्र भर के लिए, अम्बे मैया मेरी पूजा को कबूल कर लो। देखा आपने कि कितने अच्छे से आप एक एक पार्ट सीखते जाइए और फिर भजन आराम से गा सकते हो, अब तो कोई डाउट नहीं है ना, बिल्कुल। फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तो मुझे सपोर्ट मिले अच्छे, तो आप लोग देख लेते हो, लाइक करना भूल जाते हो, लाइक का साम नहीं है बिल्कुल, ओके। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि बीच में मैंने जो अभी लगा के दिखाया था ना ये वाला, तो वो लगा के दिखाऊँगी, इसको बोलते हैं थपाक, ठीक है, मान या थपकी कुछ भी बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, सब्सक्राइब आवर चैनल, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बूम।